हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। अगर आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि उस सिलेबस के अंदर करंट अफेयर्स, जीके से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको करंट अफेयर्स की तैयारी, जिसका एक वीडियो पर डे हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, आप उस सभी हमारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझिए। और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो अपडेट करूँ तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज है 25 दिसंबर 2019 और आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने कॉमन करेंसी को क्या नाम दिया है? कॉइन, ईसीओ, ए और बी दोनों ऑप्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज ईसीओ, इको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला भारोत्तोलक ने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ दो नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए? राखी हल्दर, हिना खान, ये दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज राखी हल्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में से किसे जीत मिली है? अब्दुल्ला, अशरफ गनी, दोनों में से ए और बी ऑप्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर इज अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक 7 में से एक भारतीय मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित है? फिलाडेल्फिया साइंस रिपोर्ट, लानसेट पेपर, ए और बी दोनों में, या फिर दोनों में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर इज लानसेट पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला, अनुपम त्रिवेदी, ए और बी दोनों, या ए और बी में से कोई नहीं। ए बी और सी में से कोई नहीं, सॉरी। सो द करेक्ट आंसर इज हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, अपडेट करने के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए का फंड बनाया है? 2900 करोड़ रुपए, 13900 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, या फिर 3900 करोड़ रुपए, 3900 करोड़ रुपए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3900 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के किस शहर में जनवरी 2020 में किया जाएगा? ज्यूरिक, दावोस, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज दावोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो हॉस्पिटल समूह की किस संयुक्त प्रबंध निदेशक ने देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है? संगीता रेड्डी, प्रीता रेड्डी, ए और बी दोनों, या ए बी सी दोनों, तीनों में से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज संगीता रेड्डी। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिलिंग तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का
कार्यभार संभाल लिया है? बेल्जियम, फ्रांस, ए बी सी दोनों ऑप्शन या ए बी सी इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बेल्जियम। नेक्स्ट इज, किस राज्य कैबिनेट ने हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? दिल्ली कैबिनेट ने, झारखंड कैबिनेट ने, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो दिल्ली कैबिनेट सरकार है उसने ये मंजूरी दी है। नेक्स्ट इज, एशिया के अमीरों में किसकी नेटवर्थ इस साल सबसे ज़्यादा 1,00,000 करोड़ रुपए बढ़ी है? जैक मा की, अनिल अंबानी की, मुकेश अंबानी की, या फिर जार्ज बेबीज की? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किस राज्य को नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 से बाहर रखने का प्रस्ताव पास कर दिया है? झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, या फिर असम? दो, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।